मेरे लिए तेरे कोल के मौफ हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। खुदा की जिंदा कलाम पढ़े और सुने जाने प्रभु नाम का शुक्र हो, आमीन। जहां से खुदा का कलाम मैंने तलावत किया है, आज दो बातें खुदा के कलाम से हम सीखेंगे। सबसे पहली बात है कि गुनाह, और दूसरा है कि जिंदगी। अगर आप खुदा के कलाम के मुताबिक बिब्लिकल बात करें, अगर कोई बड़ा काम करे तो क्या होता है, उसका नाम लिखा जाता है। जैसे कि अगर कोई यहाँ पर गलियां बना देता है तो क्या करते हैं, तख्ती उसके नाम की लगा देते हैं। क्या कि इसने क्या किया, ये एरिया का क्या क्या काम करवाया। लेकिन आज खुदा के कलाम से यहाँ से मैंने तलावत किया है, हम दो औरतों के बारे में आज इस बात को सीखेंगे जो खुदा के कलाम से हमें मिलती है। खुदा जो इंसान को प्यार करता है, खुदा जो इंसान की फिक्र करता है, और अगर हम बात करते हैं खुदा के कलाम के मुताबिक, तो खुदा के कलाम के मुताबिक बहुत सी ऐसी बातें हमें मिलती हैं जिसको सीखने का हमें मौका मिलता है। अगर हम बिब्लिकल इस बात को जानना चाहते हैं, तो कई बार हमने ऐसे कलाम सुने हैं जिससे हमें पुराने आयतनामे की बाइबल की स्टोरी मिलती है। खुदा जो इंसान से प्यार करता है और सब कुछ बना लिया, अब खुदा ने लगा की देखो कि सब कुछ है, लेकिन उसके बाद खुदा ने ये प्लान किया, मंसूबा बनाया गया कि मैं अपनी शरीर के ऊपर, अपने सूरत के ऊपर एक इंसान को बनाऊंगा। लेकिन खुदा ने कहा कि आओ मिलकर क्या करें, आदम को बनाए, इंसान को बनाए, और जो जगह खाली है उसको फिल किया जाए, पूरा किया जाए। लेकिन जब ये काम शुरू हुआ, आदम को बना लिया गया और आदम मट्टी का पुतला है, उसमें जान नहीं, उसमें ताकत नहीं, उसमें कुव्वत नहीं, उसमें जोर नहीं, लेकिन उसके बाद खुदा ने उसको जितनी जान किया, उसके अंदर रूह डाला और आदम जीती जान हुआ और आदम ने चलना शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर खुदा ने लगा की देखा और कहा कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं, ये खुदा के मंसूबे, खुदा के प्लान, और खुदा जो करना चाहता है वो कर देता है। और उसके बाद उसके लिए एक मददगार बनाया गया। जब दोनों को वहां पर रख दिया गया, अब उनकी अपनी मर्जी, उनकी अपनी लाइफ, उनकी अपनी जिंदगी, जैसे आज हम अपनी मर्जी से क्रिसमस मनाते हैं, अपनी मर्जी से क्रिसमस की रात मनाते हैं, लेकिन उनका कहा गया कि सब कुछ आपके प्यार में है, जहां तू जाना चाहता है चला जा, लेकिन एक लाइन लगा देगी कि यहां से तूने आगे नहीं जाना। अब इंसान की फिक्र, अब इंसान है क्या, और वहां पर जो इब्लीस आ रहा हुआ है, जिसको शिकस्त हुई है, अब चाल चलता है, प्लान करता है, और क्या करता है, वहां पर आता है और कहता है कि जब आप ये फल खा लोगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, आप खुदा की दानत हो जाओगे।
लेकिन उसको बंधन मस्टेक गलती जब उन्होंने की और उसके बाद खुदा ने फिर भी कहा कि आदम तू कहां है। खुदा फिर भी प्यार करता है। जब हम गुनाह कर लेते हैं फिर खुदा में ढूंढता है और हमें वाला देता है कि आदम तू कहां है, तू कहां बैठा हुआ है। और जब पकारा गया कहा गया और वो चुप रहे थे क्योंकि इंसान जब गलती करता है वो क्या करता है, छुपता है, छुपाता अपने आप को। लेकिन खुदा की नजर से हम चुप रह सकते और कहा गया कि आदम तू कहां है और फिर भी खुदा प्यार करता है। और आदम के लिए हवा के लिए जब उनको पाकिस्तान से निकाल दिया गया उससे पहले उनके लिए लिबास तैयार किया गया। वो लिबास खुद खुदा ने तैयार किया उनके लिए और खुदा उनकी क्या करता है, शुक्र करता है। और वहां पर गलती गुनाह शुरू हुआ, आदम से हवा से गुनाह शुरू हुआ और उसके बाद फिर भी खुदा दुनिया से प्यार करता है। जैसे 16 साल खुदा कहता है खुदा फिर भी सबसे प्यार करता है, अगला साल आ जाता है खुदा फिर भी हमसे प्यार करता है और खुदा हमारा इंतजार करता है। खुदा हमारा इंतजार करता है कि एक साल मैंने उसको जिंदगी दी है, हो सकता है अगले साल ये मेरे करीब आ जाए। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, वेट करते 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 चले जाते हैं। जब क्रिसमस आता है तो क्या करते हैं, हम खुशियां मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अगर हम गुनाह है तो मैं आपको बताना चाहता हूं गुनाह की जिंदगी में अगर हम रहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। और वहां पर जब गुनाह स्टार्ट हुआ शुरू हो गया और इंसान डूबता मरता फिरता है लेकिन खुदा फिर भी इंसान से प्यार करता है और बहुत से नबी भेजे गए, रसूल भेजे गए, उनको तकलीफ दी गई लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं करते। लोग क्रिसमस मनाना चाहते हैं, लोग नबी की रात मनाना चाहते हैं लेकिन खुदा को एक्सेप्ट नहीं करते, यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं करते। हम बातें तो करते हैं लेकिन हम अपनी जिंदगी में उसको वेलकम नहीं करते। और बहुत से रसूल नबी भेज दिए गए लेकिन लोग फिर भी गुनाह में डूबते 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 चले गए। और उसके बाद खुदा ने कहा कि मैं फिर भी दुनिया से प्यार करता हूं, मैं फिर भी लोगों से प्यार करता हूं। और एक स्वस्थ भारत जो खुदा ने बनाए और दूसरा मददगार आदम का, लेकिन इसने गलती हवा की वजह से गुनाह पूरी दुनिया में फैला, पूरी दुनिया गुनाह में डूब गई। और दूसरी औरत की बात करते हैं वो सियाब देती लेकिन मरियम को क्यों, खुदा ने कहा कि फरिश्ते को उसके पास जा क्यों कर, वो सियाब देती वहां पर लेकिन वहां पर गुनाह भी था। लेकिन ये औरत मरियम और फरिश्ता जब इसके पास जाता है अब गौर से सुनिए इस बात को, उसने क्या कहा, उसने कहा कि मैं खुदा की बंदी हूँ, हालेलुया, मैं खुदा की बंदी हूँ, खुदा ने मुझे जिंदगी दी है, खुदा ने मुझे सांस दी है। उसने इंकार नहीं किया, उसने एक्सेप्ट किया और कहा कि मैं खुदा की बंदी हूँ। अब उस बात को जानती है, अब वो दुआ भी करती है, इबादत भी करती है, खुदा के आगे झुक जाती है लेकिन इसने इनकार नहीं किया। अगर ये इनकार कर देती तो उसका नाम खुदा के कलाम में ना होता। अब औरतों में ये मुबारक है,
वर्ल्ड पे पूरी दुनिया में ये मुबारक है, क्योंकि खुदा का कलाम ये फरमाता है कि तू औरतों में मुबारक है और क्या सीमा है जिसने मेरे और अपने यशस्वी को अपने पेट में रखा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहली बात है कि हम किसके लोग हैं, हम खुदा के लोग हैं। अब मरियम ने ऐसे ही कहा कि मैं खुदा की बंदी हूँ। अब जो खुदा ने कहा, जो खुदा ने हुक्म दिया है, मैं उसका पूरा करूंगी, इसे इनकार नहीं किया। और यहाँ से क्या है कि हमें जिंदगी मिलती है, और अगर हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए पैदा हुआ, चरनी में आया और वो बादशाह का बादशाह। लेकिन सबसे पहले एक औरत के स्वर्ग से गुनाया और दूसरी औरत कस्सा मरियम और यीशु मसीह को क्या करती है, अपने पास रखती है, अपने साथ रखती है। और आगे हम ये जानते हैं कि हमें जिंदगी मिले, हमें रहाई मिले, हमें निजात मिले, हमें बरकत मिले, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमने क्या करना है। अपने निजात हृदय को कबूल करना है, जिसका आज हम यहाँ पर बैठ कर जन्मदिन मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशियां कर रहे हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और अच्छे अच्छे खाने प्याज हम खाएंगे। आज क्यों हम खाएंगे, हम ये करते हैं कि आज हमारे यीशु मसीह पैदा हुए हैं, हम वो खुशियां अपने पास समेट कर रखते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम यीशु मसीह की तरफ तवज्जो लगाना चाहते हैं, तो फिर गौर से सुबह को सबसे पहले हमने यीशु मसीह को कबूल करना है। हालेलुया। अगर हम आज क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, तो 24, 25 और 26 की रात, और जब हम खुदा की हजूरी में आए, सबसे पहले यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में वेलकम करें। हालेलुया। 2000 साल पहले की बात, बार बार उसकी पैदाइश हम मनाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ हमने करना क्या है। हमने अपनी जिंदगी में ये सर्विस को वेलकम करना है, और जब हम ये सर्विस को कबूल कर लेते हैं, अब निजात जिंदगी कहां से शुरू होती है। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, वो अपने लोगों के लिए आया, उनके गुनाहों के लिए, उनको छुड़ाने के लिए, निजात देने के लिए। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि थके मंदे बहुत से दबे हुए लोग सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरे पास जिंदगी, मेरे पास सफलता, मेरे पास बरकत, हजारों खुशियां यीशु मसीह के पास है। अगर हम यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तब हमारा क्रिसमस होता है। अगर हम उसका कबूल नहीं करते, हमारा क्रिसमस नहीं होता। गौर से सुनिए इस बात को। अगर आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं, हमने क्रिसमस सेलिब्रेट किया है, खुशियां बांटी है, तो क्यों बांटी है, इसकी वजह क्या है? वो कौन सा नाम हमें मिल गया, वो कौन सा सहारा हमें मिल गया? पूरी दुनिया में क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है, लेकिन आज हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं
जब नाइट हो जाएगी, रात हो जाएगी और यूएसए में सेलिब्रेट किया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब रोड अबाउट के साथ क्या करते हैं लोग, क्रिसमस मनाना शुरू कर देते हैं, सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं, हम इस बात को मानते हैं कि हमने निजात पाई है, हमने निजात पाई है, बरकत भी पाई है। और जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, उसके बाद हमारे कार्य क्या है, खुदा की गाइड मत करना, खुदा की बात सुस करना, खुदा के गीत गाना, खुदा का नाम ऊंचा करना। अगर हम इस बात को जान जाते हैं तो फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका नाम भी बहुत ऊंचा लिखा जाएगा। जैसे मरियम ने कहा कि मैं खुदा की बंदी हूँ, उसकी बंदी हूँ, हम किसके लोग हैं, खुदा के लोग, उसे निकाल है किया और उसके बाद कह के फरिश्ता उसके पास से चला गया। अगर ये निकाल कर देती तो क्या होता, फिर इसका नाम खुदा के कलाम में ना आता। तब इसने कहा कि मैं खुदा की बंदी हूँ, जैसे खुदा ने कहा वैसे ही होगा, उसने कबूल किया वो मैसेज, इसने अपने अंदर ले लिया, अपने दिल में रख लिया जैसे खुदा ने कहा, और उसने कहा कि मैं खुदा की बंदी हूँ। आज आपके लिए यही मैसेज है कि यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए 2000 साल पहले पैदा हो चुके हैं। अब यीशु मसीह को अपने दिलों में लेकर आना है, अपने दिल की जर्नी को सजाना है। जब हम क्रिसमस सेलिब्रेट करें, खुशियां मनाएं, तो सबसे पहले यीशु मसीह को वेलकम कीजिए अपने दिलों में, अपनी जिंदगी में, और खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ, करता हूँ आज के दिन के लिए कि मैंने इसको देखा, मैंने तेरी प्रशंसा की है, गीत कहे। और बहुत से लोग इस दुनिया से चले गए, मर गए, लेकिन हम खुश नसीब लोग हैं, आज भी हमने क्या किया है कि क्रिसमस को सेलिब्रेट किया है, जोर से अपने लिए। खुदावंद आपको बरकत दे। और गौर से सुनिए, आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर अगर आप जिंदगी लेना चाहते हैं तो जिंदगी सिर्फ ये सदस्य के पास है, इसके पास है। आज हम अगर यहाँ पर बैठे हुए क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं सेलिब्रेट? आज यीशु मसीह पैदा हुआ, लेकिन यीशु मसीह 2000 साल पहले पैदा हुआ, लेकिन यीशु मसीह आपके दिल में, दिल की चरनी में आना चाहते हैं। हालेलुया, सबसे पहले उसको वेलकम कीजिए। आइए अपने आप को बांध कीजिए और दुआ कीजिए।